अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, दिस इज़ दानियाल खेड़ा और आप देख रहे हैं द ड्राइव। आज जो हमारे पास कार है वो है होंडा सिटी 1.3 एस्पायर मैनुअल। दिस इज़ 2016 मॉडल होंडा सिटी और ये फिफ्थ जनरेशन थी जो कि 2009 से चली और 2021 तक होंडा ने कंटिन्यू की। इसमें हमारे पास जो वेरिएंट्स होंडा ने दिए थे हमें वो थे 1.3 मैनुअल, 1.3 ऑटोमेटिक, 1.3 एस्पायर मैनुअल, 1.3 एस्पायर ऑटोमेटिक एंड 1.5 एस्पायर एंड 1.5 एस्पायर मैनुअल। हमारे पास जो कार इस टाइम मौजूद है वो है 2016 1.3 एस्पायर मैनुअल। 2016 एस्पायर होंडा सिटी 1.3 मैनुअल में हमारे पास फ्रंट लुक, इसकी अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो हमारे पास होंडा ने जो हमें दिया है फ्रंट पे क्रोम ग्रिल जो कि फेसलिफ्ट एडिशन है, 2015 में होंडा ने लॉन्च किया और बहुत ही खूबसूरत क्रोम गार्निश ग्रिल है। बाकी बम्पर्स की लुक वही है सेम जो 2009 से चली 2021 तक। हमारे पास फॉग लैंप्स हैं, एस्पायर मॉडल बेसिकली है। एस्पायर के अंदर आपके पास लेदर सीट्स आती हैं, फॉग लैंप्स आते हैं, अलॉय रिम्स आते हैं, ये एस्पायर के कुछ फीचर्स हैं, एडिशनल फीचर्स। फ्रंट हेडलैम्प की अगर हम बात करें तो फ्रंट हमारे पास सिंपल हैलोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प है, साथ एक इंडिकेटर है और साथ पार्किंग लाइट है। फॉग लैंप की अगर हम बात करें तो फॉग लैंप में भी हमारे पास सिंपल हैलोजन बीम आती है। एस्पायर में हमारे पास खूबसूरत से अलॉय व्हील आते हैं और टायर साइज आता है इसके अंदर 165x65 15 इंचेस रैम के साथ। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो फेंडर से बड़ी खूबसूरत एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट होती है, बहुत स्मूथ और लीन की, और जो कि जा रही है फ्रंट ड्राइवर साइड के डोर से होती हुई रेयर डोर से फेंडर और फेंडर टू लाइट। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो ये सिंपल नॉन रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं अलॉन्ग विद इंडिकेटर्स और इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट के बटन्स मौजूद हैं। अब इसकी बात करते हैं हम साइड प्रोफाइल की। कार ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत लुक्स के साथ होंडा ने डिज़ाइन की थी और इसलिए ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए होंडा ने कंटिन्यू की फ्रॉम 2009 टू 2021। और साइड प्रोफाइल में स्टार्ट करें हम फेंडर से, एक बहुत ही लीन कैरेक्टर लाइन स्टार्ट होती है जो कि आपके डोर से होती हुई रेयर फेंडर्स से लाइट तक आती है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी की लुक्स में इजाफा करती है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो होंडा ने बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया। लाइट्स बहुत ही अट्रैक्टिव लाइट्स हैं हमारे पास और जो नीचे डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र के अंदर आफ्टर मार्केट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि ब्रेक्स के साथ इंडिकेट करती हैं ब्रेक लाइट्स को। और सेंटर में हमारे पास क्रोम एक गार्निश है अलॉन्ग विद सिटी बैजिंग एस्पायर एंड होंडा एम्बलम। हमारे पास मौजूद है रेयर कैमरा जो कि जेन्युइन इस वेरियंट में आया है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। बूट स्पेस हमारे पास 506 लीटर का बूट स्पेस है जो कि बहुत ही एक अच्छा और रीजनेबल बूट स्पेस है। इसके अंदर आप अपने चार बड़े लगेज बैग्स रख सकते हैं। 2016 में होंडा ने इसके अंदर इंसुलेशन शीट नहीं दी है, एज इट इज़ ऐसे ही होता है, देखने में अधूरा नज़र आ रहा है लेकिन इंसुलेशन शीट्स बाद में आनी शुरू हुई। होंडा ने इस मॉडल में अपने एयर प्रेसर्स नहीं दिए थे, क्रोम हैंडल्स भी नहीं दिए थे, ये आफ्टर मार्केट क्रोम हैंडल्स भी इंस्टॉल्ड हैं, एयर प्रेसर्स भी इंस्टॉल्ड हैं, आफ्टर मार्केट है। होंडा ने हमें इसमें दिया है 1.3 आईवे टेक इंजन और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है और इसकी एवरेज जो बेसिकली होंडा क्लेम करता है वो करता है इन सिटी विद एसी 14 to 15, और अगर आप इसको लॉन्ग रूट्स पे लेके जाएंगे तो ये आपको 17 तक ही देगी, 17 किलोमीटर पर लीटर। और फ्रंट में ये आपको कैमरा यहाँ नज़र आ रहा है, ये आफ्टर मार्केट है तो प्लीज़ इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि शायद इस मॉडल में फ्रंट कैम भी आता था, इसमें फ्रंट कैम नहीं आया, ये आफ्टर मार्केट है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो होंडा ने इसको बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। तो ड्राइवर साइड के दरवाजे से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे मास्टर बोर्ड है, मास्टर बोर्ड में हमारे पास साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट्स हैं, साथ चाइल्ड लॉक सेफ्टी लॉक का बटन है और 4 ऑटो विंडो ग्लास बटन है हमारे पास जिसमें सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटो है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बॉटल होल्डर, स्पीकर्स इसके बहुत कमाल, होंडा अपने स्पीकर्स में तो हमेशा पायनियर रहा है और हमेशा ही आगे रहेगा, साउंड क्वालिटी में होंडा से कोई आगे नहीं जा सकता।
सीट्स की अगर हम बात करें तो एस्पायर का बेसिक जो एडिशनल फीचर था वो था इसके लेदर सीट्स। लेदर के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि गर्मियों हम यहाँ पे गर्म टेम्परेचर में रहते हैं, तो डेफ़िनेटली लेदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, आप इस पर फ़ौरन नहीं बैठ सकते। मतलब आपने कार कहीं गर्मी में पार्क किया तो उसके बाद आप फ़ौरन इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। और जो इसका ड्रॉबैक है हीट वाला तो एक है ही है, दूसरा इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे इसमें यूजेज के बाद थोड़े थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि दोबारा आप इसको सही नहीं करवा सकते। लेकिन फिर भी ओवरऑल कुशनिंग इज़ वेरी गुड और सेटिंग पोजिशन इज़ वेरी गुड। हमारे पास सीट में मौजूद है बैक लेवर एडजस्टर और सीट रेक्लाइनर के लिए लेवर, बूट ओपनर लेवर हमारे पास यहाँ मौजूद है। एंट्री एग्जिट अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी है, अंदर आना भी और यहाँ से अंदर बाहर जाना भी। इसके अंदर कुछ अलार्मिंग बीप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो चाबी की है, चाबी अगर आप इसकी इग्निशन में डाल के भूल जाते हैं लेट से तो ये आपको बीप करेगी। जो दूसरी एक और बीप है इसकी वो पार्किंग लाइट्स की, अक्सर यूजुअली हम लोग अक्सर शाम के टाइम जब पार्किंग लाइट्स अपनी ऑन करते हैं तो उसको दोबारा ऑफ करना भूल जाते हैं, क्योंकि इंडिकेशन वैसे तो इसकी क्लस्टर में भी आती है और एक बीप भी आपको मिलेगी। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो क्लस्टर देखें, बहुत ही खूबसूरत क्लस्टर जो कि होंडा ने फेसलिफ्ट एडिशन में इसकी एक कलर स्कीम को चेंज किया। पहले हमारे पास जो कलर स्कीम आती थी वो थी ऑरेंज शेड में, 2015 फेसलिफ्ट एडिशन के बाद होंडा ने इसको वाइट और ब्लू स्कीम के साथ इंट्रोड्यूस किया। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेयरिंग एडजस्टर हमारे पास सिर्फ लो एंड हाई एडजस्टमेंट के लिए है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ये सिंपल लो या हाई आप इसको कर सकते हैं अपनी हाइट के मुताबिक। और लाइट्स की इंडिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्लस्टर के अंदर लाइट की इंडिकेशन आती है कि अगर आपने पार्किंग ऑन की है तो फौरन आपके पास एक लाइट सामने आ जाएगी। और अब चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट की तरफ, तो ये एंड्रॉयड पैनल है, इसका आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुआ जबकि एस्पायर के एडिशनल फीचर में इसका नेविगेशन सिस्टम आता था विद 7 inches स्क्रीन के साथ। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेजॉरिटी लोगों ने वो उसमें इश्यूज आए इसके ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम में तो उसको उतरवा के लोगों ने फिर एंड्रॉयड पैनल्स इंस्टॉल करवाए। अब बात करें अगर हम इसकी गियर लीवर की तो होंडा सिटी में बेसिकली गोल्फ बॉल का ट्रेडिशनल रहा है कि होंडा ने अपने सिटी के गियर लीवर हमेशा गोल्फ बॉल के डिज़ाइन में दिए हैं। और इसी के आगे बिल्कुल हमारे पास दो ग्लास होल्डर्स की जगह है, साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस है अपने कार्ड्स वॉलेट चीज़ें रखने के लिए। यहाँ हैंड ब्रेक के साथ ही हमारे पास आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट अच्छा है, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। डैशबोर्ड की कलर स्कीम की बात करें तो इसके अंदर होंडा ने ब्लैक विद ग्रे इंटीरियर हमें दिया है, और ब्लैक जो इसका कलर है वो टाइम के साथ थोड़ा सा फेड होता है, जो मेजॉरिटी सिटी यूजर्स की कंप्लेन रही है कि कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है इसका। और ग्लव बॉक्स है हमारे पास, ग्लव बॉक्स की स्पेस है। रूफ लाइनर की बात करें तो ग्रे रूफ लाइनर हमारे पास है, और साथ ही हमारे पास सन शेड्स हैं, और ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर नहीं है जबकि पैसेंजर साइड में हमारे पास वैनिटी मिरर भी मौजूद है। सीट बेल्ट्स की बात करें तो हमारे पास सीट बेल्ट्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद योर हाइट एडजस्टमेंट, ये होंडा में आती हैं शुरू से ही। रूफ डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो प्लेन रूफ डिज़ाइन के साथ हमें मिलता है एक सिंपल एंटेना, जो कि 2021 में होंडा ने इसको कन्वर्ट किया विद अ मैसिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ शार्क फिन। अब हमारे पास यूजली आता है शार्क फिन, लेकिन 2018 तक हमें ये सिंपल एंटेना मिलता था। अब चलते हैं इसकी रेयर बैक सीट्स की तरफ, बात करते हैं इसकी रेयर एंट्री एग्जिट की। तो एंट्री एग्जिट इज वेरी गुड, आप इस आराम से गाड़ी में एंटर हो सकते हैं, आराम से गाड़ी से इजीली बाहर जा सकते हैं। मतलब इसकी हेड स्पेस भी वेरी रीजनेबल और लेग स्पेस तो बहुत ही अच्छी है खैर इस होंडा के इस वेरिएंट के अंदर। तो जो दरवाज़े की मैं बात बताऊं कि दरवाजे की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आपको बाहर निकलने में और अंदर आने में गाड़ी में कम अज़ कम दरवाज़ा हर्डल नहीं बनता। यूजली जो आजकल सेडान कार्स आ रही हैं उनके अंदर ज़रा ये इशू आता है कि दरवाज़े उनके यहाँ तक ओपन होते हैं बस, लेकिन इसका ये हमारे पास स्पेस अच्छी है। और खैर एनी हाउ हमारे पास इंटीरियर में लेदर इंटीरियर है जो कि एस्पायर का एडिशनल फीचर है, और कप होल्डर हमारे पास एक सेंटर ब्रेस्ट के पीछे मौजूद है, एक पॉकेट मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास रेयर आर्म रेस्ट के अंदर दो कप होल्डर्स हैं। तीन लोगों के लिए पीछे सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो रेयर बम्प है वो बहुत स्लाइट सा है, मतलब फ्लैट बेड नहीं है बेसिकली, थोड़ा सा बम्प है लेकिन ओके ठीक है, मतलब तीन बंदे आराम से इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। रेयर डोर में हमारे पास मौजूद है सिर्फ स्पीकर और विंडो
ओपन और क्लोज करने का बटन। इसमें ग्लास होल्डर नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई मसला नहीं है। होंडा ने एक इधर हमें सेंटर आर्म रेस्ट में दिया जैसे कि मैंने बताया, और दो हमें सेंटर आर्म रेस्ट में। रूफ में हमारे पास रूफ लाइनर के साथ ही हमें तीन सपोर्ट हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि ड्राइवर साइड के लिए नहीं है। तो तीन बहुत हैं, ड्राइवर को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास तो बहुत सारी सपोर्ट्स हैं पड़ी। ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव इसकी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही स्मूथ है। 1.3 का जो रिस्पांस है वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, और जैसे कि आप देख रहे हैं लो आरपीएम्स के साथ बहुत ही मैसिव अग्रेसिव रिस्पॉन्स है इसका। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और जो साउंड प्रूफिंग है वो बहुत मज़ेदार है, मतलब बाइक की कोई भी कुछ और मुझे अंदर नहीं सुनाई दे रहा। ये एक बजटेड कार, एक बहुत ही खूबसूरत सेडान, जो कि एक इजीली आज के इस बजट में लोगों के फॉल करती है। 3 to 4 million के अंदर अंदर आप एक अच्छी सेडान कार ले सकते हैं, विद ह्यूज ट्रंक स्पेस, बूट स्पेस के साथ। और एसी की परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब, फैन की थ्रो बहुत ज़बरदस्त, और ड्राइव इसकी मैं जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। तो फ्यूल एवरेज शहर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और लॉन्ग ट्रैवल के लिए तो बहुत ही अच्छी है। 17 to 18 तक देती है ये अगर आप लाइट वेट के साथ कार को चलाएँ, और शहर में आपको 14.5-15 तक भी ईजीली देती है विद एसी। मतलब बड़ी कार के साथ आपको एक अच्छी एवरेज मिलना, ये कम्बिनेशन बहुत कम मिलता है हमें। तो ये कार उस लिहाज से तो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है और बजटेड है। कम पैसों में अगर आप अच्छी कार ढूंढ रहे हैं तो होंडा सिटी से अच्छी ऑप्शन मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। ओके बॉयज़, ये था आज का रिव्यू 2016 होंडा सिटी 1.3 एस्पायर मैनुअल का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे एक नई कार के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।